हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विवेक सिंह वेलकमिंग यू अगेन ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑनवे मैकेनिक। टुडे वी आर गोइंग टू कवर 2020 इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस डेब्यूटेंट। फ्रेंड्स, प्रेजेंटिंग यू द ऑल न्यू इंडिया इंस्पायर्ड किया सोनेट। यू लाइक द सिनेमेटिक पार्ट। इस वीडियो की तरह किया सोनेट ने इस साल धमाकेदार एंट्री ली और आते ही इट वॉन बेस्ट ऑफ शो अवार्ड एट ऑटो एक्सपो 2020, जहां इसके कॉन्सेप्ट वर्जन को लॉन्च किया गया था। फाइनली किया सोनेट को लॉन्च किया गया अगस्त 2020 में, आफ्टर ऑब्जर्विंग द ग्रेट डिमांड इन इट्स अर्लियर लॉन्चेस लाइक किया सेल्टॉस। सेकेंड मेजर रीजन टू लॉन्च किया सोनेट इन इंडिया इज ग्रेट डिमांड इन सब कॉम्पैक्ट एसयूवी बिकॉज ऑफ टैक्स रिलीफ इन सब 4 मीटर व्हीकल कैटेगरीज। इनफैक्ट कंपनी ने तो प्लांट ही सेटअप कर दिया अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में 536 एकर्स का। दिस इज़ वास्ट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसके की के बारे में बात कर लेते हैं। इसके की में आपको 4 बटन्स दिए गए हैं, एक लॉक का अनलॉक, एक होल्ड से जिससे गाड़ी इंजन डायरेक्टली हम बाहर से स्टार्ट कर सकते हैं रिमोटली, ये मैं आपको बाद में करके बताऊँगा, और ये टेलगेट रिलीज का है डायरेक्टली। गाड़ी आपको एक बार स्टार्ट करके बता देता हूँ, उसके लिए हमें सबसे पहले गाड़ी अनलॉक करके लॉक करनी पड़ेगी, तभी आपका होल्ड बटन से गाड़ी स्टार्ट होगी। और दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट है, आपकी स्टेयरिंग अलाइंड रहना चाहिए। देखिए, स्टार्ट करके देखते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई रिमोटली, हम देख सकते हैं। जल्दी से इंजन और ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। इसमें किया सोनेट में आपको 3 इंजन ऑप्शन एंड 6 ट्रांसमिशन मिलते हैं। फर्स्ट इज़ 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन, सेकेंड इज़ 1.2 लीटर स्मार्ट स्ट्रीम पेट्रोल इंजन, एंड थर्ड इज़ पावरफुल TGDI 1 लीटर पेट्रोल इंजन, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये सिर्फ 2 ट्रांसमिशन्स में आती है। 1 is 6-speed IMT जो कि आज हमारे पास है, एंड सेकेंड इज़ 7-speed DCT। दिस वेरियंट कम्स विथ 998 cc ऑफ टर्वो पावर्ड पेट्रोल इंजन विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम पावर ऑफ 118 bhp एंड अ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 172 Nm। वी लव दिस इंजन बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मोर टॉर्क एंड पावर देन इट्स 1.2 liter पेट्रोल इंजन। अब कहीं परफॉर्मेंस अच्छा है तो कहीं ना कहीं माइलेज तो कम हो गई। इट गिव्स माइलेज ऑफ 18.2 kmpl। अब एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हेलो एक्सटीरियर, व्हाट हो गया आपका? अब हमारी बारी। ठीक है, जा रहा हूँ ना भाई, कर ले। तो एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे ये गाड़ी पूरी इंडियन इंस्पायर्ड बनाई हुई है। इनफैक्ट आप ग्रिल की बात करें इसमें तो आप टाइगर नोज शेप ग्रिल देख सकते हैं पूरी। नीचे एलिफेंट, बेबी एलिफेंट टस्क शेप्ड क्रोम गार्निश है। बीच में आप ग्रिल देखें तो जो 3D इंसर्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये राजस्थान की फेमस चांद बावड़ी से इंस्पायर्ड है। If we talk about its headlamps, it is crown jewel shaped LED with heartbeat shaped DRLs like we see in its senior. It also converts into indicator when turned on. To check out the thorough review of Kia Seltos, please hit the notification here. नीचे fog lamps की बात कर लेते हैं तो इसमें projector fog lamps दिए हुए हैं with chrome finish. और आप नीचे bumper देख सकते हैं, dual tone bumper है with silver toned skid plates. बाकी थोड़ा और नीचे आते हैं तो एयर इनटेक काफ़ी वाइड दिया गया है, रेडिएटर ग्रिल का पार्ट है। साइड्स की बात करें तो आपको वॉल्यूमिनस व्हील आर्चेस मिलेगी विथ प्लास्टिक क्लैडिंग ऑफ चारकोल कलर, जो कि कंटिन्यूएशन में रनिंग बोर्ड के साथ पीछे तक जाती है। रनिंग बोर्ड के आप ऊपर देखें थोड़ा तो आपको सिल्वर गार्निश मिलेगी। सिल्वर गार्निश के बाद ऊपर आते हैं आपको तो क्रोम फिनिश्ड डोर हैंडल्स मिलेंगे आगे और पीछे, चारों डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश्ड हैं। बॉडी कलर्ड ORVMs विथ टर्न इंडिकेटर्स और IMT की बैजिंग। ऊपर आए हम रूफ रेल्स में तो रूफ रेल्स आपको फ्लोटिंग टाइप मिलेगी। रूफ रेल्स के बाद बात करें तो शार्क फिन एंटीना दिया गया है। क्वार्टर पैनल में आपको सम एनग्रेविंग्स विद ब्लैक कलर दिया गया है। टेल लैम की बात करें तो फ्रंट के DRL की तरह सेम हार्टबीट शेप्ड है, जो कि सिंगल स्ट्रिप से ज्वाइन हो रहे हैं दोनों टेल लैम्स। आगे नीचे बात करें तो किया की बैजिंग दी गई है, TGDI की बैजिंग दी गई है और सोनेट की बैजिंग दी गई है। रियर डिफॉगर दिया गया है। इसमें एक डीमेरिट है जो मैं चाहूँगा इस मॉडल में आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हायर एंड का मॉडल है, इसमें रियर वाइपर नहीं दिया गया है और रियर वॉशर भी नहीं है।
स्पॉइलर में आपको ब्रेक लाइट मिलेगी, नीचे आपको ड्यूल टोन बम्पर मिलेगा विथ स्किड प्लेट, और फेक ड्यूल साइलेंसर कवर मिलेंगे जिसको मफलर्स भी बोला जाता है। बाकी बात करें, कैमरा इसमें दिया गया है, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर की तरह भी काम करता है। नीचे दो सेंसर्स दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं, रिवर्स में आपको असिस्ट करता है। लेफ्ट साइड में आपको 35 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलेगा। रियर में आएँ तो आपको टेल गेट विथ इलेक्ट्रिक रिलीज मिलेगा विथ 392 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। रियर पार्सल ट्रे मिलेगी, नीचे एक छोटी सी लाइट है, यहाँ एक हुक है, पीछे आपको ये रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे, कभी हाईवे पे आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो यूज़ कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं आर 15 इंचेस का आपको स्पेयर व्हील मिलेगा विथ टूल किट। बाकी इसमें 60-40 स्प्लिट सीट्स नहीं दी गई है, 100% फोल्डेबल सीट्स हैं। हम देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। If we put exterior features in a box, according to Kia's global head of designs, Mr. Karim Habib, it's a longer bonnet with muscular lines, voluminous arches, and black A-pillar makes it resemble like a baby elephant. Talking about suspension, brakes, and tires, front में आपको as usual MacPherson strut with coil spring मिलेंगे, and rear में आपको CTBA with coil spring मिलेगा। ब्रेक्स की बात करें तो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे एज यूजुअल इन एवरी वेरिएंट ऑफ किया सोनेट। टॉक अबाउट टायर्स, बोथ फ्रंट एंड रियर टायर्स आर 215/60R16। एक डीमेरिट जो इस रेंज के व्हीकल में मुझे ये लगा कि इसमें अलॉय व्हील्स की जगह इसमें बस व्हील कैप्स दिए हैं सिल्वर कलर्ड, जो कि इसमें इस रेंज के वेरियंट में अच्छा कर सकते थे। इंटीरियर्स में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर शॉर्ट में इंटीरियर्स के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। आइए। ड्राइवर सीट कम्स विथ 8-way मैनुअल एडजस्टमेंट एंड को ड्राइवर 6-way। अपोल्स्ट्री का फिनिश देखें तो अपोल्स्ट्री लेदरेट प्लस फैब्रिक फिनिश में है। डोर्स के इनर साइड की बात करें तो ये भी ब्लैक एंड बीच कलर में आता है। ग्रैब हैंडल्स लेदरेट फिनिश में है विथ सिल्वर स्टिचिंग। 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए हैं, ORVM के कंट्रोल दिए हैं, लॉक एंड अनलॉक की फैसिलिटी दी है। इसमें ड्राइवर साइड जो पावर विंडो है वो ऑटो पिंच फैसिलिटी के साथ है और ऑटो अपसाइड अप एंड डाउन फीचर के साथ है। इसका जो हैंडल है, ओपनिंग हैंडल है, ये सिल्वर ट्रिम के साथ दिया गया है। बाकी नीचे पॉकेट्स में आपको स्टोरेज मिलेगी 1 लीटर बॉटल की, एक छोटा सा अम्ब्रेला रखने की आपको जगह मिल सकती है, आप देख सकते हैं इसमें। और डोर्स में बाकी चीज़ नोटिस करें, माइन्यूट चीज़, तो इसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स दिए हैं कई जगह बहुत अच्छे से, आप देख सकते होंगे। और दूसरी बात, इसके मटेरियल की बात करें, फिनिश अच्छा है बट ये नॉर्मल प्लास्टिक मटेरियल, आप चेक कर सकते हैं। गेट में ही आपको एक ट्विटर भी देखने मिल रहा है। इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, साइड में आप देख सकते हैं हेडलैम्प का लेवलर है, यहाँ बोनट का ओपनिंग बटन दिया है, पेट्रोल टैंक ओपनिंग लीवर गया है, आप देख सकते हैं। IMT ट्रांसमिशन है तो इसमें आपको यहाँ पर क्लच कोई नहीं मिलेगा, यहाँ बस ब्रेक पेडल है और एक्सलेटर का पेडल है। डैशबोर्ड की बात करें तो आपको ब्लैक पियानो फिनिश में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जिसमें MID और 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। तो इसमें डी कट स्टेयरिंग दिया गया है विथ लेदरेट फिनिश। स्टेयरिंग में आपको किया की बैजिंग मिलेगी, छोटी से सोनेट की बैजिंग मिलेगी। दोनों साइड कंट्रोल्स दिए गए हैं, एक साइड इंफोटेनमेंट सिस्टम का दिया गया है, एक साइड MID का कंट्रोल दिया गया है, इसी में क्रूज कंट्रोल का सेटअप दिया गया है। नीचे आप देखें तो टॉगल स्विचेस दिए गए हैं, लेफ्ट साइड में आपको टॉगल स्विचेस वाइपर कंट्रोल्स मिलेंगे, राइट साइड में इंडिकेटर और लाइट कंट्रोल्स मिलेंगे। MID के बारे में बात करें तो इसमें लेफ्ट साइड में RPM मीटर दिया गया है जो कि एनालॉग है, बीच में डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें स्पीडोमीटर और कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं जैसे ड्राइव इन्फॉर्मेशन, फ्यूल इकोनॉमी, एक्युमुलेटेड इन्फो, ये 3 इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। बाकी आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी जैसे कन्वीनियंस सेटिंग, डोर की सेटिंग, लाइट्स की सेटिंग और सर्विस इंटरवल।
फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी और इंजन हीट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको 8 इंच का दिया गया है, जिसमें देख लीजिए आप सेटिंग्स कौन कौन सी। इसमें साउंड की सेटिंग, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले, बटन, जनरल, वाईफाई, व्हीकल सेटिंग्स दी गई है। व्हीकल में आप इंटर एयर सर्कुलेशन, ऑटोमेटिक वेंटिलेशन वगैरह देख सकते हैं। बाकी इसमें एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो की भी फैसिलिटी है। आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको ब्लूटूथ और वाईफाई से पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार प्ले है तो आपका फ़ोन अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। इधर वॉइस कमांड की भी फैसिलिटी दी गई है। एसी की बात करें तो इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, बाकी आप सेटिंग्स देख सकते हैं। ऊपर ही इसमें हैजार्ड बटन का हैजार्ड बटन दिया गया है। 4 एसी वेंट्स दिए गए हैं विद सिल्वर फिनिश, नीचे डायमंड नल्स हैं देख सकते हैं। इसमें आर्कमिस का साउंड सिस्टम भी दिया गया है, तो आपको साउंड टेस्ट करा देता हूँ एक सॉन्ग सुना के छोटा सा। जो आपने अभी साउंड सुना है आर्कमिस के 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स के थ्रू सुना है। सेंटर कंसोल की बात करें तो इधर आपको एक स्पेस मिलेगी मोबाइल एंड वॉलेट वगैरह रखने के लिए। नीचे आएँ तो आपको 3 चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे, एक USB फास्ट चार्जर है, एक USB चार्जर है और इधर आप लाइटर्स वगैरह लगा सकते हैं। मोबाइल रखने का एक स्पेस मिलेगा छोटा सा। गियर नॉब की बात करें तो गियर नॉब प्रीमियम फिनिश के साथ है और लेदरेट सराउंडिंग के साथ है। आगे आएंगे तो हैंड ब्रेक का लीवर मिलेगा, 2 कप होल्डर्स मिलेंगे और मोबाइल रखने की स्पेस मिलेगी। पीछे आप देखें तो आर्म रेस्ट कम स्टोरेज मिलेगा, छोटा सा स्टोरेज आप देख सकते हैं। को पैसेंजर साइड कवर्ड की बात करें तो इसमें छोटे से कैपेसिटी है, 1-8 डायरी या आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ सकते हैं। ऊपर देखें तो सनवाइज़र को पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर के साथ मिलेगा। ड्राइवर साइड सनवाइज़र विदाउट वैनिटी मिरर है और मेरे हाइट के हिसाब से ठीक है, थोड़ा सा धूप आ सकती है बट ठीक है। बीच में देखें तो आपको रीडिंग लैंप्स मिलेंगे 2 और इधर ही सनरूफ का भी कंट्रोल है। सनरूफ का दिखा देता हूँ, 1-2 सनरूफ कंट्रोल है और एंटी पिंच प्रॉपर्टी के साथ है। 1-1 टच ओपन एंड शट है देख सकते हैं। बाकी यहाँ एक सनग्लास होल्डर दिया गया है छोटा सा। आगे बात करें तो मैनुअली ऑपरेटेड ARVM दिए गए हैं देख सकते हैं, एंटी ग्लेयर प्रॉपर्टी के साथ। बाकी को पैसेंजर साइड सनवाइजर के साथ आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाएगा। इसमें आपको ड्राइवर और को ड्राइवर साइड एयरबैग्स मिल जाएंगे। जल्दी से रियर सीट की बात कर लेते हैं। ड्राइवर सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 181 सेंटीमीटर। यहाँ अच्छा मुझे थाई सपोर्ट मिल रहा है, हेडरूम भी अच्छा है, लेग रूम भी अच्छा है। बाकी ये 2 लोगों के हिसाब से सीट बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। बीच में आपको आर्म रेस्ट मिल जाएगा विद 2 कप होल्डर। बाकी 3 लोग बैठेंगे तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आओ आप देख सकते हैं, जब भी फुली ग्रोन 3 मेल्स इस सीट में बैठते हैं यहाँ टेरिटोरियल वॉर छिड़ जाती है एंशियंट टाइम्स की तरह इंडिया में और मासूम प्रजा बीच में दब जाती है। तीनों पैसेंजर को के लिए आपको मिल जाएगी फोल्डिंग टाइप असिस्ट ग्रिप्स। रियर सीट्स में आपको आइसोफिक्स सीट्स मिल जाएंगी टू फिट चाइल्ड एंकर सीट। ऊपर आपको एक रीडिंग लैंप मिल जाएगा, कॉमन रीडिंग लैंप है, इंडिविजुअल नहीं है। पीछे आप बात करें तो AC वेंट 2 मिल जाएंगे छोटे से, एक USB चार्जर और फ़ोन रखने का स्पेस मिल जाएगा। इंटीरियर्स के बाद हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। कॉन्स में मुझे लगता है कंपनी को इसकी 3 चीज़ें सुधारनी चाहिए। एक जो इस वेरिएंट में फेक अलॉय व्हील्स दिया है, इनको अलॉय व्हील्स दे देने चाहिए। इसमें एक एंटीवायरल प्यूरीफायर हर वेरिएंट में देना चाहिए आज की स्थिति को देखते हुए। और तीसरा, इनको रियर वाइपर और वॉशर भी देना चाहिए इस एंड की वेरिएंट में। प्रॉस की बात कर लें तो प्रॉस में हमें इसका 1000cc टर्बो पावर्ड इंजन बहुत ही अच्छा पावर और टॉर्क जनरेट करता है। सेकंड, इसका फर्स्ट इन क्लास जो ग्राउंड क्लियरेंस है, बूट स्पेस है। थर्ड, इसका जो फर्स्ट इन क्लास रिमोट इंजन की स्टार्ट। तो यही लगते हैं मुझे इसके प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स के बाद मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, इसलिए मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड में बता पाऊँगा। टिल देन प्लीज़ कीप वियरिंग सीट बेल्ट, वियर हेलमेट एंड फॉलो ट्रैफिक रूल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। हैप्पी वॉचिंग।
Yeah.